हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन मोटर स्पोर्ट्स में। अगर आपके पास होंडा 6Z है और उसमें जो पीछे की टेल लाइट असेंबली आती है वो डैमेज हो चुकी है या ख़राब हो चुकी है, अगर आपका टेल लाइट असेंबली का जो ग्लास है वो टूट गया है और आपको असेंबली नई डलवानी है, तो कितनी प्राइस में चेंज होगी वो मैं आपको बताऊँगा। ये हमारे पास 6Z की होंडा जेन्युइन की टेल लाइट असेंबली है। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी टेल लाइट असेंबली आती है, पर इसमें दिक्कत क्या है कि एक्टिवा 3G में और उसमें हमें पीछे का टेल लाइट ग्लास होता है वो अलग से मिल जाता है, तो हम उसे चेंज करके अगर ग्लास की डैमेज हुआ है तो हम उसको चेंज करवा सकते हैं। पर एक्टिवा 6Z है, वो नई गाड़ी है, तो उसमें जो ये पीछे का ग्लास है वो नहीं मिलता है। अगर आपका ग्लास डैमेज हो चुका है फिर भी हमें पूरी असेंबली चेंज करनी पड़ती है। हमारे पास जो एक्टिवा 6Z आज आया है उसमें सिर्फ ग्लास ही टूट गया है, पर मार्केट में ग्लास नहीं मिलता है, तो हमने होंडा जेन्युइन की जो टेल लाइट असेंबली आती है वो पूरी मंगवा दी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ब्रेक लाइट आती है, यहाँ दोनों पे साइड इंडिकेटर लगते हैं, इसमें असेंबली में बल्ब नहीं आते हैं, हमें जो बल्ब आते हैं वो पुराने लगाने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आती है, यहाँ पे होंडा की बेजिंग मिलती है हमें, इससे हमें पता चलता है कि होंडा जेन्युइन है। ये यहाँ पे पार्ट नंबर भी लिखा हुआ आता है, पीछे से इस तरीके से दिखती है ये पूरी असेंबली। और अगर प्राइस की बात करें तो हमें इस तरीके से पैकेजिंग में मिलती है ये असेंबली। आप देख सकते हैं, आप पार्ट नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको मंगवानी है तो। 1365 रुपये में मिलती है ये जेन्युइन, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं 365 नहीं है, 1365 है इसकी प्राइस। और लेबर चार्ज अलग से 200 या 300 रुपये लगेगा, क्योंकि टेल लाइट लगाने के लिए पूरा पीछे का ओपन करना पड़ता है, उसके बाद टेल लाइट लगती है। और ऐसे ही नए वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।